हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो लास्ट टू वीडियोस में हमने रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, बहुत सारे टाइप्स को पढ़ा, और सारे टाइप्स हमने एग्जाम बेसिस ही रखे हैं, ताकि एग्जाम में आपका टाइम कम लगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो सके और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 8, टाइप 9 एंड टाइप 10। हमने लास्ट के वीडियोस में टाइप 1 to 7 पढ़ चुका है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था और जो कि बहुत ही ट्रिकी थे, सारे बहुत ट्रिकी थे, कम टाइम लेकर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 8 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टाइप 9 में नंबर चेंजिंग रेशियो, एंड टाइप 10 में अपोजिट फ्रॉम क्वेश्चंस। और ये सारे कैसे क्वेश्चंस से रिलेट करते हैं, हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, टाइप 8 का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात क्रमशः 2:3 है तथा खर्चों का अनुपात क्रमशः 7:13 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 1,000 की बचत करता है तो ए की आय क्या है? तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में लिखा है, पहले उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या है, आय दिया है, यानी इनकम किसका किसका आय है, ए इज टू बी। तो ए इज टू बी का आय क्या है, 2:3। उसके बाद क्वेश्चंस में लिखा है खर्चों का अनुपात, तो खर्च यहाँ लिख देते हैं, खर्च का रेशियो क्या दिया है, 7:13। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस में आगे क्या लिखा है, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 1,000 की बचत करता है, यानी सेविंग करता है, कितने की बचत करता है, 1,000 की। यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि ए भी 1,000 की बचत करेगा और बी भी 1,000 की बचत करेगा। अब जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यानी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ आय दिया है, खर्च दिया है, सेविंग क्या किया जा रहा है, सेविंग कहा जा रहा है 1,000 करने, यानी कि दोनों के द्वारा 1-1,000 किया जा रहा है। जब यहाँ हम करते हैं, आय 2 है और खर्च कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, बी आय 3 है लेकिन खर्च कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो अब इसको हम लोग सिमिलर कैसे करेंगे, यानी कि दोनों का सेविंग सेम होना चाहिए। इसको करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है ये कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी 17 और 13 का डिफरेंस क्या होगा। तो 17 और 13 का डिफरेंस, यानी 13 और 17, 7 का डिफरेंस होता है 6, और ऊपर में 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, 1, यानी कि 3 - 2 = 1 और 13 - 7 = 6। यही हमने यहाँ दिखाया है, 7 और 13 का डिफरेंस 6 है। तो जो डिफरेंस आया है उसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखा है, 2:3 और 7:13। इसका डिफरेंस यानी कि 13 और 7 के डिफरेंस को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला जो डिफरेंस होगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला जो डिफरेंस होगा उसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया रेशियो हम लोग को मिलेगा, जो कि क्या है, 12:18 और 7:13। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 12 में से 7 जाएगा, यानी माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 18 और 13 का डिफरेंस भी क्या होता है, 5 आता है। यानी कि अब क्वेश्चंस को फुलफिल कर रहा है, यानी प्रत्येक द्वारा 1,000 की बचत की जाती है, यानी जब ए 1,000 बचत करेगा तो बी भी 1,000 बचत करेगा, जो कि रेशियो में भी हमने कर दिया है। ए के द्वारा भी 5 का बचत किया गया है और बी के द्वारा भी 5 का बचत किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ए की आय बताना है। यहाँ पे सर्टेन अमाउंट क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, 1,000, जो कि क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की बचत है। तो बचत 1,000 है अमाउंट में, तो रेशियो में कितना बचत शो कर रहा है, रेशियो में 5, तो रेशियो में इसके जस्ट नीचे 5 लिख दिए। अब क्या निकालना है, ए की आय, ए की आय देखिए कितना है, ए की आय जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ए की आय क्या हो रही है, 12, यानी 12। तो जो फाइंड करना रहता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि
मल्टीप्लाई 12। अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2400, यानी 2400। तो ए की आय कितनी है, ए की आय है क्या 2400। फ्रेंड्स बहुत इजी है, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। एक आय तो जितना दिया है पहले हमने वो सारा लिख लिया, अब यहाँ देखिए 2:3, 7:13, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं हो रहा था, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला यानी अंतर निकाल के, नीचे वाले का अंतर निकाल के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर यानी आय का डिफरेंस अंतर निकाल के नीचे खर्च में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नया रेशियो क्या मिलता है, 12:18 और 7:13। और इन दोनों को देखते हैं तो खर्च क्या हम लोग का आता है 5। उसके बाद क्वेश्चंस में 1000 बचत था और रेशियो में कितना 5, और निकालना किसका आय है, ए का आय निकालना था। यहाँ क्वेश्चंस में देखिए ए का आय निकालना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई 12 कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, यानी 200 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 2400। चलिए हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल और विनोद के आय का अनुपात क्रमशः 25:41 है तथा उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 3:3:5। यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए की बचत करता है तो विनोद की आय क्या होगी, विनोद की आय क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में शेयर किया है, उसे आप इन दो इसके पहले के दो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आय दिया है किसका, कमल और विनोद का 25:41, और खर्च कितना दिया हुआ है, खर्च दिया गया है 3:5। अब देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं यानी कि 25 - 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 22, और 41 - 5 करते हैं तो आएगा 36, जो कि बचत बचत तो है लेकिन क्वेश्चंस में कहा गया प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 800 की, यानी कि अगर ए 800, अगर ये 22 बचाता है तो बी को भी 22 बचाना चाहिए था, तो ये यहाँ क्या है, गलत है। हमको क्या करना है, इक्वल करना है इसके बचत को। इसके लिए हम क्या करेंगे, खर्च का डिफरेंस क्या आएगा 2, खर्च का डिफरेंस 2, और आय का डिफरेंस क्या आएगा 16। अब खर्च के डिफरेंस को आय के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आय के डिफरेंस को खर्च के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नया रेशियो क्या बन के आएगा, 50:82 और 48:80। अब देखिए नया रेशियो क्या बनकर आया है, ये क्या है, कमल और विनोद का, आय और खर्च का। अब देखिए डिफरेंस इक्वल दिखेगा, यहाँ भी 2 बच रहा है और यहाँ भी 2 बच रहा है, यानी कि अब क्वेश्चन से फुलफिल हो रहा है, 800 रुपए की बचत दोनों मिलके करता था, दोनों मिलके यानी 800 रुपए के करेगा तो 800 रुपए वी भी करेगा, रेशियो में भी वही शो कर रहा है 2 और 2 इक्वल। क्वेश्चन में सर्टेन अमाउंट क्या है, 800, 800 यानी 800 बचत करता है और रेशियो में कितना बचत कर रहा है, 2 बचत कर रहा है तो 2 लिख देंगे इसके नीचे, और क्या निकालना है, विनोद की आय निकालना है तो नए रेशियो से विनोद की आय कितना है, 82 मल्टीप्लाई 82। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 41 आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 800 मल्टीप्लाई 41 इक्वल टू 32,800, यानी कि विनोद विनोद का आय कितना है, 32,800। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है, अच्छे से ध्यान से देखिए, वीडियो जरूर समझ में आएगा, और क्वेश्चंस यहाँ वीडियो देखने के बाद कोशिश कीजिए कि बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 9। टाइप 9 में हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, 16 जोड़ दिया जाए तो इनके बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 हो जाता है, तो बताएं दूसरी संख्या कितनी है। अब जितना भी क्वेश्चंस में लिखा है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। दो संख्या,
मान लिया कि पहला एक संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:9। अब क्या कह रहा है, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो इनके बीच का अनुपात 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:5। अब देखिए इसमें 16 जोड़ा गया है, इसमें 16 जोड़ा गया है, तब नया रेशियो क्या बना है? 3:5। लेकिन यहाँ रेशियो देखने से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ 5 था लेकिन जोड़ने पे क्या हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। अब यहाँ 9 था जो कि जोड़ने पे क्या हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे? इसको भी हम लोग अपने टाइप 8 वाले मेथड से सही करेंगे। यानी इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा, और पुराने वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और जस्ट अपोजिट करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे वाले डिफरेंस को पहले वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले वाले रेशियो का डिफरेंस है नए वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक नया रेशियो बनकर क्या आएगा? 10:18 और 12:20। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम दिखेगा, यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। अब ये चीज देखने से समझ में आ रहा है, यानी कि 10 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है, और 18 में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ है क्या कि 16 जोड़ दिया जाता है, तो क्वेश्चंस में सर्टेन अमाउंट 16 है, 16 जोड़ दिया जा रहा है, और यहाँ पे रेशियो में कितना जोड़ा जा रहा है? 2 जोड़ा जा रहा है। अब फाइंड क्या करना है हम लोग को? दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है? दूसरी संख्या ये है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी संख्या से, क्या आ जाएगा? 9, यानी 16 × 9, 144। 144 यानी कि दूसरी संख्या कितनी है? 144। चलिए इसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 को घटा दिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, पहले वाले क्वेश्चंस में जोड़ना था और यहाँ पे क्या है? घटाना है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, जोड़ घटाओ कुछ भी हो सकता है। तो घटा दिया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, यहाँ संख्याओं का क्या पूछ रहा है? योग। योग तो आप लोग को पता ही है, योग मतलब जोड़। क्या होगा? अब जो दिया है उसको देख लेते हैं। मान लिए कि पहला ये है और दूसरा नंबर ये है, इसका रेशियो क्या दिया है? 5:8 दिया है, और 15 घटाने के बाद नया रेशियो क्या बनता है? 2:5। अब देखते हैं इसका डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। घटाने के बाद 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, यानी हमें यहाँ यहाँ नीचे से डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हम लोग का क्या हो जा रहा है? डिफरेंस सेम आ रहा है। हम लोग सेम लाने के लिए यहाँ से निकालने का कोशिश करते थे, यहाँ से अंतर निकालते थे, लेकिन यहाँ पहले से सेम आ रहा है। कितना? 3 और 3। तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में सर्टेन अमाउंट कितना दिया है? 15। 15 जब क्वेश्चन में दिया है अमाउंट में, रेशियो में कितना आ रहा है? 3। निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्या कौन है? पहला संख्या तो 5 है, दूसरा संख्या 8 है। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। यानी 5 + 8 क्या हो जाएगा? 13। अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 13 × 5 यानी 65, 65। यानी दोनों संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा? 65। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। अगर आप लोग को परेशानी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारे द्वारा बताया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की और अच्छे तरीके से समझाने की। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? टाइप 10। टाइप 10 में कुछ नए क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से समझे और समझने के बाद बनाने का। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टाइप्स मिल सके मैथ्स और। चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हमारा टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 10 पैसे एवं 20 पैसे के कुल 200 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 36 रुपए है, तो बता 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? फ्रेंड्स याद कीजिए, मैंने लिखा था टाइप 10 में अपोजिट फ्रॉम क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस जो करेगा उसके हम लोग को अपोजिट चलना है।
अब देखिए यहाँ क्वेश्चन के लिए, एक व्यक्ति के पास 10 पैसे 20 पैसे के कुल 200 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 36 रुपए है, तो बताए 10 पैसे के कितने सिक्के। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब जो क्वेश्चन में लिखा पहले उसको लिख लेते हैं, 10 पैसे है और क्या है 20 पैसे, 10 पैसे और क्या है 20 पैसे। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है, उसके बाद क्वेश्चंस में लिखा है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या है 200 और कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 36 रुपया। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। जब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो हम मान लेंगे कि मेरे पास, हम लोग के पास 10 पैसे हैं ही नहीं, टोटल कितना है 20 पैसा है, जितना भी सिक्का है हम लोग के पास 20 पैसे का है। तो जब 20 पैसे का सिक्का होगा, टोटल 20 पैसे का टोटल सिक्का, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 200, तो 200 है, 200 × 20 करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, 4000 पैसा हो जाएगा। फ्रेंड समझ में आ रहा है ना, चलिए फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 10 पैसे 20 पैसे हमने यहाँ लिखा, 10 पैसे हैं और 20 पैसे हैं। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, 200 सिक्के हैं, कुल 200 सिक्के हैं, तो कुल सिक्के सिक्कों की संख्या कितनी है 200 है। उसके बाद कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य 36 रुपए दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो जब क्वेश्चंस में कह रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग के पास 10 पैसा है, हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग के पास जितने भी सिक्के हैं वो किसके सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के नहीं है, टोटल सिक्के जितने हैं वो हमारे पास किसके हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं। तो जब 200 सिक्के 20 पैसे के होंगे तो कितना पैसा होगा, 4000 पैसा होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ 36 रुपया लिखा है, क्वेश्चन में यहाँ 36 रुपया लिखा है, जब इसको हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3600 पैसा हो जाएगा, 3600 पैसे हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 400 पैसे, 400 पैसे होगा ना, 400 पैसे यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद देखिए 400 पैसे का डिफरेंस यहाँ क्वेश्चंस में लिखा है जो, उसके बाद यहाँ से भी तो डिफरेंस निकालना है हम लोग को, इसका डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा ना। अब निकालना क्या है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, बस इससे इसको कर देंगे यानी 40 आंसर हो जाएगा, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 40। ऐसे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है, यहाँ से इसका क्वेश्चंस से क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा अमाउंट और जो हम फाइंड करेंगे उसका डिफरेंस और जो 2 नंबर दिया रहेगा उसका डिफरेंस निकालना जरूरी है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोशिश कीजिए अच्छे से समझने का तरीका सीखिए और क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएंगे। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। उस परीक्षा में एक छात्र 75 प्रश्न हल किया और उसे 125 अंक प्राप्त हुए, तो बताए कितने प्रश्न सही थे। अब यहाँ क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि कितने प्रश्न सही थे, यानी कितने उसने सही क्वेश्चंस का आंसर किया है। चलिए क्वेश्चंस में जो जो मेंशन उसको लिख लेते हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए यानी राइट क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिया जाता है और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। उसके बाद क्या है कि 75 प्रश्न का हल किया है यानी सॉल्व क्वेश्चन कितना है, सॉल्व क्वेश्चन है 75 और उसको टोटल मार्क्स कितना मिला है, टोटल मार्क्स कितना मिला है 125। अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, सही कितने उसने बनाए हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जो क्वेश्चन कहेगा वो उसको ना देख के अपोजिट वाला बनाना है, यानी कि यहाँ पे सही और गलत दोनों दिया है, तो हम लोग से सही पूछ रहा है तो हम ये सोचेंगे कि हमने सारा
क्वेश्चंस का आंसर गलत किया है। गलत किया है तो क्वेश्चंस कितना सॉल्व किए, 75 सॉल्व किए हैं, तो 75 सॉल्व किए हैं तो हमको मार्क्स कितना मिलेगा, कितना मिलेगा मार्क्स, -75 मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन अगर हम गलत बनाते हैं तो एक नंबर काट लिया जाता है, तो अगर हम 75 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना मार्क्स काट लिया जाएगा, -75। अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों का यहाँ कितना आया, -75 मार्क्स आया, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 125। इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, -75 -125। अंतर के लिए तो पता है माइनस का यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 200। अब क्वेश्चंस में जब 200 है डिफरेंस, इसका 200 है, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस क्या होगा, 4 माइनस -1 यानी 5। 5 जब कट करते तो क्या आता है, 40। यानी कि इसके द्वारा कितने सही प्रश्न हल किए गए हैं, यानी सही क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो 40 क्वेश्चंस सही बनाए गए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरि के पास कुछ गाय है, हरि के पास क्या है, कुछ गाय है तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। फ्रेंड्स देखिए, टाइप 10 में ही बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक एक करके हर एक टाइप इसमें बताने की कोशिश की है, और आप कोशिश कीजिए कि इसको किसी बुक से सॉल्व करें ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। अब हरी के पास क्या है, गाय है, गाय है और मुर्गी है, इसको हैंड डिनोट कर सकते हैं, इसको काउ लिख सकते हैं। अब क्या लिखा, अब बताइए, पैर, गाय के पास कितना पैर होता है, चार पैर होता है, और मुर्गी के पास कितना होता है, दो होता है, सो लिख लिए। अब क्या लिख रहा है, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या यानी हेड, सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, 48, और पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 140। ये जो दिया है ये दोनों का दिया है, गाय और हेन दोनों का, इसमें भी गाय और हेन दोनों इंक्लूड है। अब क्वेश्चंस में देखिए, उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं, मुर्गा के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि मेरे पास जो भी है वो सारा क्या है, काऊ है यानी गाय है, तो क्या है, सिरों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 192। क्या आ जाएगा, 192। ये क्या आया, इतना सिर है और उसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं, पैर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो टोटल पैरों की संख्या आया है, टोटल किसका संख्या है, पैरों का संख्या कितना आया है, 192। अब यहाँ देखिए, पैरों की संख्या कितना दी हुई है, 140। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर निकालेंगे, तो 192 -140 इक्वल टू 52। अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब इसको कट कीजिए, कितना आ जाएगा, 26, यानी मुर्गों की संख्या कितनी है, 26। फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, इसको कोशिश कीजिए कि समझकर इजी बनाए, और हमने जितने सारे टाइप्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं, वो आपके मैथ्स को इजी बनाकर ही रखेंगे, बस ऐसे इसे अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 800 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, 800 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, यदि इनमें से पहली वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचे, तो इस प्रकार उसे पूरे वस्तु पर 80 रुपए का लाभ होता है, तो बताएं दूसरी वस्तु का क्रयमूल क्या होगा, क्या बताना है, दूसरी वस्तु का क्रयमूल। क्वेश्चंस में देख लीजिए, 800 रुपए में क्या खरीदता है, दो चीज खरीदता है, फर्स्ट पे उसको क्या होता है, 25% का लाभ होता है, इसको प्लस से डिनोट कर सकते हैं, और दूसरी वस्तु पर क्या होता है, 15% की हानि होती है, उसको माइनस से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, उस क्वेश्चन में लिखा रहा है 80% का लाभ हो रहा है,
क्या बताना है, दूसरी वस्तु को बताना है ना, तो जब दूसरी वस्तु को बताना है तो हम क्या निकालेंगे, पहली वस्तु का निकालेंगे, जब यहाँ लाभ दिया है तो इसे भी लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालने का सबसे इजी ट्रिक क्रैमूल दिया है, क्या करेंगे, लाभ क्या आएगा 25 आएगा, और ये 100% है तो 100 में जाएगा ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 200, 200 हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस में लाभ 80 है और कैलकुलेट करने पे हम लोग को कितना मिला है 200 मिला है, यानी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 माइनस 80 इक्वल टू 120। अब जब निकालने पर डिफरेंस 120 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 25 माइनस माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 40, 40 होगा ना, और यहाँ परसेंट में है तो यहाँ भी परसेंट देंगे, जब यहाँ परसेंट देते हैं तो क्या आ जाता है, ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे 40, यानी कि 300। तो दूसरी वस्तु का क्रयमूल कितना है 300,